हाय गाइस, आज हम एक नया क्राफ्ट बनाएंगे जो कि है एक बॉल। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी आपके पास पुरानी शीट्स पड़ी हैं या फिर कुछ भी पेपर्स पड़े हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने कुछ बचे हुए पेपर्स लिए हैं। सबसे पहले आप वीडियो में देख ही सकते हैं, मैंने उसमें से एक शीट उठाई। अब मैंने अपना एक कंपास और पेंसिल लिया है और अब मैं एक नॉर्मल स्केल लूँगी। मैंने 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसलिए मैंने अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन किया है। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे टोटल 20 सर्कल्स चाहिए। आप वीडियो में देख ही सकते हैं, मैंने अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसी तरीके से मैं बाकी सर्कल्स भी ड्रॉ करूँगी हर शीट पर। मैंने अपने सारे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं, अब मैं इन सर्कल्स को कट आउट करूँगी। आप देख ही सकते हैं, मैंने अपने सारे 20 के 20 सर्कल्स कट आउट कर लिए हैं। अब एक सर्कल लेंगे और उसकी वन साइड फोल्ड करेंगे। उसी तरीके से सेकेंड साइड और थर्ड साइड फोल्ड करेंगे ताकि हमें एक ट्राइंगल मिले। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैंने किस तरीके से ट्राइंगल फोल्ड कर दिया है और एक सर्कल से हमें ट्राइंगल रिसीव हुआ है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपको 20 की 20 सर्कल का ट्राइंगल बनाना है। ये मेरे सारे सर्कल्स हैं जो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हम इन ट्राइंगल्स को ज्वाइन करेंगे फेविकोल की हेल्प से। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे ज्वाइन करती हूँ। जो हमने फ्लिप्स बनाए हैं उसको वन साइड से ओपन करके मैं एक साइड पर फेविकोल लगा लूँगी और ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल चिपका दूंगी। ऐसे ही थर्ड, हमें ऑल्टरनेटिवली ऐसे 10 सर्कल्स को चिपकाना है और एक लूप तैयार करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में मेरा लूप तैयार हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से बाहर से और कुछ इस तरीके से अंदर से आपको दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसका अपर और बॉटम तैयार करना है। तो मैंने फिर से एक ट्राइंगल लिया, उसके वन फ्लिप को ओपन किया और फेविकोल लगाया, उस पर दूसरा ट्राइंगल पेस्ट किया। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से अब मैंने थर्ड ट्राइंगल पेस्ट किया। अब मैं ये पहले की तरह नहीं कर रही हूँ, मुझे चाहिए एक अम्ब्रेला शेप्ड। तो मैं उसी तरीके से अपने ट्राइंगल्स के फ्लिप को पेस्ट करती जाऊँगी। मुझे यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में ट्राइंगल्स को पेस्ट करना है, ऑल्टरनेटिवली पेस्ट नहीं करना। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मेरे ऑलमोस्ट सारे ही ट्राइंगल्स पेस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको फाइनल टचअप दूंगी। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मैंने अपना अम्ब्रेला तैयार कर लिया। उसी तरीके से मुझे सेकेंड अम्ब्रेला कैप के तरीके से तैयार कर लेना है ताकि मैं अपना बॉटम और अपर पेस्ट कर सकूं अपने लूप पर। अब हम लूप को पेस्ट करेंगे अम्ब्रेला पर। इसी तरीके से हम बॉटम पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारी बॉल बनके रेडी है। आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर बॉल बनी है। आप इस बॉल को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए, आप अपने खेलने के पर्पस के लिए इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।